हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में जो महाजनपद काल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट टू होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत में सबसे पहली जो कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे, अजात शत्रु, बिंदुसार या फिर प्रसेनजीत। तो ये आपके पास अपनी आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और तीसरा, अजात शत्रु और प्रसेनजीत। ठीक है, ये जो बुद्ध के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आपका शरतनी आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या फिर वैशाली। तो अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग। तो बिंबिसार जो सम्राट था, उसने अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती, वत्स, कौशल या फिर काशी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, काशी राज्य को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में काशी और लिच्छवी का जो विलय है वह अजात शत्रु ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चात ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जो जंगल आच्छादित जो पठारी प्रदेश था वहां तक फैला हुआ था। पटना और गया जिले का जो क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से ही जाना जाता था। और भी चीज थी जो मगध साम्राज्य के बारे में, उनके जो राज्य के बारे में जो बताया गया था, जैसे महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदिराज वसु के पुत्र बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या फिर कर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, नंद वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, काम्बोज, काशी या फिर मगध। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, मगध। ठीक है, मध्य जो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। खरुष्टु लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये सभी ऑप्शन जो ये इनमें दिए हुए हैं, ये सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यही इसमें से ऑप्शन ये प्रभाव है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव यही नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आपको सही ऑप्शन बताना है। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था नहीं थी वह मगध में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिम्बिसार, अजात शत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग। तो सैनिया हम लोग बिम्बिसार को कहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन हम लोग महापद्म नंद को कहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उससे जो है 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ जो भारत में आने वाला इतिहासकार नहीं था वह हेरोडोटस था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी ये सभी जो इतिहासकार थे वह सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। नेक्स्ट, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिंग कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ क्या होता है? आपका शरफनी आपको सही ऑप्शन बताना है। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, आपका शरफनी आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही होगा। अष्टकुलट परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था, सौल्किक या फिर शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अजातशत्रु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो है वह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको महाजनपद के नाम दिए हैं और उनकी राजधानी, ठीक है, इसमें आपको सही ऑप्शन मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, जो कुरु की राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानी अधिक्षत्र, ठीक है, और कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी होगा, राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही वह कौशाम्बी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय इतिहास में महाजनपद काल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग भारतीय इतिहास में कोई नया टॉपिक लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।